Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सिर्फ तुम मस्जिद में ना लगो, इमाम बारगाह में ना लगो, जब कारोबार पे खड़े हो, जब अपनी तन्हाई खलबत में हो भाई, लोग अगर लोग तुम्हें देख नहीं रहे तो मलाइका तो देख रहे हैं, मगर नहीं अजनाने मोहतरम। अब वो अल्लामा अमीनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह दमिश्क गए और दूसरे फिरके के लोग थे, बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, तो कहने लगे कि आप इमाम अली अलैहि सलाम के बारे में उलूफ करते हैं, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं। कहा क्या? कि आप कहते हैं कि ये एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। ये कैसे हो सकता है एक आदमी रात को 1000 रकात नमाज पढ़े? तो अल्लामा अमीनी, जिनकी टांग सही नहीं थी, मरीज थे, एक टांग उनकी मुश्किल में थी, तो वो कहते हैं कि वो तो मौला थे, मैं 1000 रकात नमाज पढ़ सकता हूं। तो कहा अच्छा शुरू करें। अरे शुरू की, अभी आधी रात नहीं हुई थी, कहते हैं कि 600 रकातें हो गई। तो कहा कि नहीं, हम मान गए कि मौला पढ़ते हैं। अल्लामा अमीनी क्या फरमाते हैं कि मैंने इससे पहले कभी 1000 रकातें पढ़ी नहीं थी, मगर मैंने कहा मौला जाने और रकाते जाने। वजदाने में तो विलायत यही है ना, विलायत यानी यकीन हो, अतात हो। ऐसी तो नहीं है कि सिर में शेर पढ़ के चला जाऊं या कुछ और काम करूं, नहीं है जाने में तो, यानी पूरा माशरा उस तरफ हरकत करे। मगर मौला मुत्तकियान जुल्म के मुकाबले में नहीं खड़े हुए, मगर मौला को क्या अपनी डेजिग्नेशन प्यारी थी, 4 साल हुकूमत की, बशरियत की तारीख में ऐसी हुकूमत किसी ने कायम नहीं की, लेकिन ज्यादा वक्त जंगों में गुजरा। क्यों जंग हुई अली अलैहिस्सलाम से? क्यों? हक की वजह से। क्यों मस्जिद में शहीद किया गया? हक की वजह से। आते ही बैतुल माल खींच लिया जो गलत इस्तेमाल हो रहा था। पहले तो पार्टियां थी ना, जैसे हमारी भी होती है, हाँ अपनी पार्टी का दे दो। खुदा की बारगाह में एक एक कर्म का हिसाब है। आयतुल्लाह शमसुद्दीन बयान करते हैं बहुत बड़े आरिफ और जाहिद के, कि उनका दुनिया से इंतकाल हुआ तो बड़ी हसरत थी कि ये ख्वाब में आए वगैरह। ख्वाब में आए 7 महीने के बाद, कहा पूछा कि क्या मामला है इतने जाहिद और आरिफ? कहा कि एक दफा मैं कहीं सफर से आ रहा था, एक ऊंट के ऊपर लकड़ी के गोशे थे, लकड़ियां, कह रहा है वो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था खलाले दंदान के लिए, मगर मुझे याद नहीं कि मैंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, जिसे वहीं छोड़ दिया। 7 महीने तक उसका हिसाब दे रहा था। कहां हिसाब देगा इंसान? आसान है, इसीलिए तो ये अदले इलाही यही इमाम राइज कर सकते।